नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आज आपके लिए ICER 2016 का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, जिसे हम लोग आज पूरी फुल डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज पेपर स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, करें लाइक, करें शेयर, करें साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम की नई नई नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था ICER 2016 का, कौन सी अनुवांशिक रूप से रूपांतरित GM फसल भारत में उगाई जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो GM लिखा है इसका मतलब होता है जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप है, कौन सी भारत में उगाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं, जो कपास है, जो क्या है कीट प्रतिरोधी जो कपास है जिसमें कीट कम लगते हैं, उसे हम लोग भारत में उगाते हैं किस क्रॉप के रूप में, GM क्रॉप के रूप में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आलू किस प्रकार की सब्जी है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो आलू है एक प्रकार का कंद है जो कि रूपांतरित तना होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है मक्का में सिंचाई के लिए नाजुक अवस्था कौन सी है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, जो मक्का में है सबसे अच्छा क्रिटिकल स्टेज जो सिंचाई की है वो कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं, वल्लर निकलने और रेशे निकलने की अवस्था, तो जो टेसल और सिल्किंग जो स्टेज होती है तब हमें क्या करना चाहिए, हमें इरिगेशन या सिंचाई करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अरहर की बीज दर, अरहर की प्रति हेक्टेयर बीज दर जो है कि कितने किलोग्राम होती है। तो दोस्तों यहाँ पे 5 लिखा है, तो 5 नहीं, जो ओरिजिनल जो इसकी बीज दर होती है वो 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। दोस्तों कितनी होती है, 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण हो गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ओटाई किसकी प्रक्रिया है। तो दोस्तों मैं बता दूं, ओटाई क्या होता है कि जो जो तने से रेशे निकालना होता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग ओटाई कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम की कमी के कारण किसमें पुष्पन और गलन उत्पन्न होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है जो टमाटर है तो उसमें क्या होता है कि फूल गिरने लग जाते हैं और फल क्या होते हैं, सड़ने लग जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अर्गट किसका महत्वपूर्ण कवकीय रोग है। तो दोस्तों जो अर्गट होता है ये क्या एक फंगल डिसीज होता है जो कि बाजरा में सर्वाधिक लगता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चिप्सोना किसकी किस्म है। तो दोस्तों जो चिप्सोना है ये पोटैटो की किस्म है, आलू की किस्म है, जिससे क्या है चिप्स बनाने के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक हेक्टेयर का दसवां भाग कितने वर्ग मीटर क्षेत्र के बराबर होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, एक हेक्टेयर का जो दसवां भाग है वो 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र के बराबर होता है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेवेस्टिन है एक। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो बेवेस्टिन है एक प्रकार का फंगीसाइड है जिसे हिंदी में हम लोग कवकनाशी कहते हैं, जिससे क्या होता है जो कवक वाली जितनी भी बीमारियां होती है उसे कंट्रोल करने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी फलीदार चारा फसल है। तो दोस्तों जो कौन सी फलीदार चारा फसल है, तो मैं आपको बता दूं, जो इजिप्शियन क्लोवर है जिसे हम लोग बरसिम भी कहते हैं, तो ये क्या है कि फलीदार चारा फसल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मांस के उद्देश्य से पाली जाने वाली कुक्कुट पक्षी कहलाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मांस उत्पादन के लिए अगर जो कुक्कुट या मुर्गी या पोल्ट्री करते हैं तो वो क्या होती है, जो ब्रॉयलर होती है, इससे हम लोग सर्वाधिक मांस उत्पादन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो दोस्तों जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, ये क्या है, कुफरी शिमला में है। ये क्या है, कुफरी शिमला में इंडिया का है, और इंटरनेशनल पोटैटो जो है वो पेरू अमेरिका में है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट में किसका उपयोग करके बनाई जाती है। तो दोस्तों मैं बता दूं, फेरेटोमोफास्टोमा जो केचुआ है इसके उपयोग से हम लोग क्या बनाते हैं, इसके जरिए हम क्या बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टिक्का रोग किस फसल में पाया जाता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टिक्का रोग क्या है, मूंगफली में, ग्राउंडनट में होता है, जो कि सार्कोस्पोरा पर्सोनाटा, ये क्या होता है एक फंगल होता है, इसके कारण क्या है ये फैलता है, जिसमें क्या है कि पत्तियों के ऊपर धब्बेदार निशान दिखाई देने लगते हैं। तो ये किसमें होता है, ग्राउंडनट या मूंगफली में होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जनकों पर F1 संतति की श्रेष्ठता क्या कहलाती है। तो दोस्तों जो इसकी संतति की श्रेष्ठता क्या कहलाती है, संकर ओज और संकर पुष्टता कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सिंचाई की स्प्रिंकलर
ड्रिप व चेक थाला में से कौन सी विधि दाब युक्त प्रणाली नहीं है। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो चेक थाला है ये दाब युक्त प्रणाली, इसमें क्या होता है सीधे पानी छोड़ा जाता है और पौधे के पास ये चले जाता है। इसके अलावा जो स्प्रिंकलर है या ड्रिप है, इसमें क्या होता है कि प्रेशर से पानी जाता है और क्या दाब के युक्त से वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है या फव्वारा सिस्टम से वो पौधे तक पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है ट्रिटिकेल किसके बीज का संकरण है। ठीक है, तो दोस्तों जो क्वेश्चन है ट्रिटिकेल किसके बीज का संकरण है, तो मैं बता दूं ये वीट और राई के बीज का संकरण है, जो कि रिम्पू नामक साइंटिस्ट ने इसको बनाया था 1928 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पछेती अंगमारी किसका महत्वपूर्ण रोग है। तो दोस्तों मैं बता दूं लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो पछेती अंगमारी है इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो कि एक आलू का बहुत भयानक रोग है जिसके कारण क्या हुआ था 1845 में आलू के कारण बहुत बड़ा अकाल भी लगा था, जिसके कारण क्या है बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई थी। तो जो इसका एक सिम्टम, इसका जो पैथोजन नेम है फाइटोफथेरा इन्फेस्टेंस के कारण ये रोग फैला था, जो कि क्या है कवक ही रोग है, फंगल डिसीज है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है पहाड़ियों में उच्च वर्षा के कारण छारों के रिसाव से किसका निर्माण होता है। दोस्तों क्वेश्चन है कि पहाड़ियों में उच्च वर्षा के कारण छारों के रिसाव से किसका निर्माण होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं जो अम्लीय मृदा है एल्कलाइन सॉइल है इसका निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि देसी गुलाब की कटाई छटाई का समय कब होता है। देसी गुलाब जो होते हैं उसकी कटाई छटाई कटिंग हम लोग कब करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं देसी गुलाब की जो कटाई छटाई वो दिसंबर या जनवरी दिसंबर में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बायोगैस संयंत्र में सृजित होने वाली मुख्य गैस है या प्रमुख गैस है। तो दोस्तों जो बायोगैस से जो गैस निकलती है वो किससे क्या निकलती है, मीथेन निकलती है, जो कि क्या है धान के भी खेत से निकलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गन्ने का पुष्प विन्यास क्या कहलाता है या गन्ने का जो पुष्प क्रम है वो क्या कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं जो गन्ने का पुष्प क्रम है वो एरो कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस प्रक्रिया में सिट्रिस अम्ल चक्र घटित होता है। तो जो श्वसन की क्रिया है इसमें क्या होता है सिट्रिस अम्ल घटित होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सब्जी की वह फसल जो सोलेनेशी कुल में नहीं आती। तो दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे जो ऑप्शन दे दिया है बंद गोभी, तो बंद गोभी क्या है क्रूसीफेरी कुल की सब्जी है। ठीक है, जो और यहाँ क्वेश्चन है कि सब्जी की वह फसल जो सोलेनेसी कुल में नहीं आती, जो गोभी वर्गीय क्या क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करती है, तो पत्ता गोभी या बंद गोभी क्या है सोलेनेसी कुल में नहीं आती। सोलेनेसी कुल में टमाटर बैंगन मिर्च आलू और तंबाकू किस में आती है सोलेनेसी कुल में आती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बामेट कीटनाशी है। तो दोस्तों जो कार्बामेट कीटनाशी है तो उसे क्या है नाम से जाना जाता है कार्बाइल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जली फर्न एजोला का उपयोग किस रूप में अधिक होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं जली फर्न जो एजोला है इसका जो उपयोग होता है अधिकतर काय में करते हैं हम लोग जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर में करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही क्या है इसे पशुओं का अच्छा चारा भी माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्वपरागित जो फसलें हैं वो कौन कौन सी है। तो दोस्तों मैं बता दूं स्वपरागित जो फसलें हैं गेहूं और धान क्या है स्वपरागित फसलें हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है म्यूरेट ऑफ पोटास, तो म्यूरेट ऑफ पोटास को किसके नाम से भी जाना था KCl। म्यूरेट ऑफ पोटास में क्या होता है 60% क्या होता है पोटास होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उस फसल का नाम बताइए जिसका उपयोग आप दाल एवं तेल दोनों के लिए करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सोयाबीन है वो क्या है 2-in-1 क्रॉप के नाम से भी जानी जाती है। सोयाबीन क्या है 2-in-1 क्रॉप के नाम से भी जानी जाती है, इसे हम लोग दाल एवं तेल दोनों में यूज़ कर सकते हैं। अधिकतर क्या है इसे हम लोग दाल में ही यूज़ करते हैं तेल में ही यूज़ करते हैं, परंतु दाल में इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि इसमें लिपोऑक्साइड क्या होता है एक एंजाइम होता है जिसके कारण क्या इसके दाल से थोड़ी सी दुर्गंध आती है, इसलिए क्या है इसे हम लोग दाल में बहुत कम, लेकिन क्या है कि लेग्यूमिनेसी कुल के होने के कारण इसे दाल और तेल दोनों में रखा गया है, इसीलिए इसको कहते हैं 2-in-1 क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि धान गेहूं गन्ना और बाजरा किस कुल के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं धान गेहूं बाजरा जो है ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है हिमीकृत
वीर्य रखा जाता है, तो ये काय में रखा जाता है, द्रव्य नाइट्रोजन में रखा जाता है, जिसके कारण क्या है, ये अधिक समय तक सुरक्षित रह सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि भारत में किसान सामान्यतः कितने शक्ति का ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आंसर दिया है 25 से 30 अश्वशक्ति का। तो दोस्तों पहले ऐसा होता था कि कम एचपी के ट्रैक्टर आते थे तो 25 से 30 अश्वशक्ति या हार्स पावर का करते, लेकिन दोस्तों आज की जो डेट में है 50 से भी ऊपर हार्स पावर के ट्रैक्टर आ चुके हैं, जिसको क्या है किसान यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में कपास का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं जो महाराष्ट्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, कपास होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुण सूत्रों का संबंध किससे है। तो वंशानुगतता संबंधी गुण के हस्तांतरण से क्या है, गुणसूत्रों का संबंध है। नेक्स्ट हमारा फिर क्वेश्चन है कि मक्का का नर पुष्प विन्यास क्या कहलाता है। तो देखो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, 2019 में भी आया था और 2016 में भी ये क्वेश्चन फिर से आया है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है जो मक्का में मक्का का नर पुष्प विन्यास क्या कहलाता है, दोस्तों जो मक्का का नर पुष्प विन्यास है वल्लर या उसे टेसल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसे कोशिका का जल स्रोत कहा जाता है। तो जो माइटोकांड्रिया है इसे क्या कहते हैं, कोशिका का जल स्रोत कहते हैं। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है माइकोलॉजी किस विषय, माइकोलॉजी में क्या है, किस विषय का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो माइकोलॉजी में क्या होता है, फंगस, किसका, फंगस का हम लोग अध्ययन करते हैं, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, कवकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है अम्लीय मृदाएं क्या मिलाकर सुधारी जा सकती है। जो अम्लीय मृदा होती है, जो एसिटिक सॉइल होती है, उसे हम लोग किस चीज़ को मिलाकर सुधार सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं हम इसको क्या है, चूना मिलाकर सुधार सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बाजरा के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर होनी चाहिए। तो दोस्तों जिसका आंसर होगा कि बाजरा की जो बीज दर है वो 4 से 5 kg पर हेक्टेयर होने चाहिए, 4 से 6 kg भी पर हेक्टेयर हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी फसल गंदी मतकुंड द्वारा नष्ट होती है। तो जो गंदी इंसेक्ट जो है तो इसमें कौन सी फसल में लगता है। दोस्तों मैं बता दूं जो गंदी बग जो होता है वो क्या लगता है, धान में बहुत अधिक मात्रा में लगता है, और ये कब लगता है, जब धान मिल्किंग स्टेज में होती है तब, और अधिकतर सेंटेड वेराइटी जो खुशबूदार किस्में होती है उसमें ही क्या लगता है, गंदी बग लगता है, जब क्या होता है मिल्किंग स्टेज या दुग्ध अवस्था पर ये होती तब गंदी बग अटैक करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं जो स्कर्वी रोग है ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और भी आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ, उससे रिलेटेड हम लोग वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।